नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों ये गाड़ी है महिंद्रा यूवो 475 DI। इसमें गियर आयल इसका चेंज करना है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे इसका प्रोसेस होगा और कितना खर्चा आएगा इसमें गियर आयल चेंज करवाने में और कितना लीटर इसमें गियर आयल पड़ता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो ड्रेन प्लग से जितना ऑयल है बाल्टी में हम रख लेंगे, जो भी पुराना ऑयल है। उसके बाद में जो पूरा पीछे के साइड बैक साइड है, आप जैसा देख सकते हैं पीटीओ साइड में हुक लगा होता है जहाँ पे हिच सिस्टम, उसको निकालेंगे। हिच निकालने के बाद आप देखेंगे कि एक पीटीओ असेंबली जहाँ पे लगी है, पूरा प्लेट होता है पीटीओ का, इस पीटीओ असेंबली को यहाँ से हटाएंगे निकालेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से पीटीओ असेंबली इसको निकाल ली गई है ताकि हम इसको जो भी आयल थोड़ा शेष रह गए हैं उसको साफ कर सकें, इसमें हवा मार सकें, इसको सफाई कर सकें, ठीक है, ताकि जो नया गियर आयल डालें वो स्वच्छ रहे, अच्छा रहे और काफ़ी टाइम तक चले, वो गंदा ना हो, उसमें डस्ट ना रहें बिल्कुल। तो इसको आप जैसा कि देख रहे हैं इसको पूरी तरीके से हम साफ करेंगे और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोसेस आपको बताते हैं। अब सक्शन स्ट्रेनर जो होता है इसमें, उसको हम यहाँ से निकालेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे लगा होता है, तो सक्शन स्ट्रेनर जहाँ से आयल को ये सक करता है, उसके पहले एक फिल्टर लगा होता है, उसको बोलते हैं सक्शन फिल्टर, ठीक है। तो इसको यहाँ से निकालेंगे। तो दोस्तों सक्शन फिल्टर यहाँ पे निकल चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये है यहाँ सक्शन फिल्टर। आप देखेंगे इसमें एक जाली टाइप की बनी हुई है, यहाँ से जो गियर आयल होता है पहले साफ़ होता है, उसके बाद आगे फिर हाइड्रोलिक पंप की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब इस प्लेट को यहाँ पे निकाल लेंगे हम, ताकि यहाँ से गियर आयल को डाल सकें। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गियर बॉक्स के ऊपर, ये देखिए ये प्लेट, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने का कारण यही है कि यहाँ से अगर निकालेंगे तो गियर आयल को आराम से इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यह सब कुछ निकल चुका है, आयल भी ड्रेन हो चुका है पूरा, और जो भी निकालना था वो निकल चुका है। अब हम सफाई की तरफ बढ़ते हैं, इसको पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है हमको, बिल्कुल एक डस्ट भी नहीं रहना चाहिए, एक पार्टिकल भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, नहीं तो फिर से गियर आयल चेंज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे डीजल से और पेट्रोल से हम छिड़काव विधि द्वारा, ठीक है, स्प्रे विधि से हम इसकी सफाई करेंगे, ताकि इसके पार्ट के अंदर जा जाके वो सारा कुछ साफ़ हो जाए। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसकी सफाई होती है। We'll be right back.
तो यहाँ पे साफ़ सफाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको जो भी प्लेट को निकाले थे यानी पीटीओ असेंबली को निकाले थे उसको फिर से यहाँ पे चिपका देंगे या लगा देंगे। ये आप देखें बैंडेड है ये, जो कि कंपनी की तरफ से मिलता है, आप उसको ख़रीद के यहाँ पे कोई आयल सील नहीं लगी होती है, पैकिंग नहीं लगी होती है, यही काम करता है आयल सील का बैंडेड ये। तो इस बैंड को यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद में जो पीटीओ असेंबली है उसको यहाँ पे फिट करेंगे, असेंबल कर देंगे। तो यहाँ पे पीटीओ असेंबली पूरी तरीके से फिट हो चुकी है, आप देख रहे हैं चिपक चुकी है पूरा। और पीटीओ असेंबली फिट करने से पहले इसके पैकिंग वगैरह को भी हम देख चेक कर लेंगे, दूसरी नई पैकिंग लगा देंगे, ठीक है, ताकि ऑयल कहीं से लीकेज ना हो और अच्छे से चले। तो आप देख रहे हैं ये फिट हो चुका है, नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और सक्शन स्ट्रेनर जो हमने निकाला था जहाँ से, उसको पूरी तरीके से साफ़ करने के बाद, ये साफ़ हो चुका है, इसको पूरी तरीके से साफ़ करने के बाद इसको यहाँ पे फिट कर देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसको फिट करने के बाद अब केवल ड्रेन प्लग नीचे से लगा देंगे, कभी कभी भूल जाते हैं, ड्रेन प्लग लगाने के बाद अब गियर ऑयल को डालेंगे हम यहाँ पे। ये देखेंगे आप 20 लीटर की ये बाल्टी है गियर ऑयल की, इसमें महिंद्रा की है, ये क्लासिक लिखा हुआ महिंद्रा जेन्युइन ट्रांसमिशन ऑयल 20 लीटर की बाल्टी है, आपको महिंद्रा डीलर पे मिल जाएगी कहीं पे। गियर ऑयल जब भी डलवाएं आप, गियर ऑयल हो या इंजन ऑयल हो, जब भी आप डलवाएं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि कंपनी ने जो रिकमेंड किया है वही गियर ऑयल हमको डलवाना है। यहाँ पे रेट देखेंगे 5425 रुपये इसमें रेट दिखाया गया है। तो चूँकि ये इसकी कैपेसिटी गियर ऑयल की 40 लीटर है तो दो बाल्टी इसमें डलवानी पड़ेगी। यहाँ पे फ़िल्टर को फिट करने के बाद अब गियर ऑयल की तरफ बढ़ेंगे और गियर ऑयल इसमें डालेंगे। तो बात कर रहे थे इस बाल्टी की, तो इसमें 20-20 लीटर का ऑयल, गियर ऑयल भरा होता है, ट्रांसमिशन ऑयल जिसको बोलते हैं। और चूंकि 5425 रुपये है तो दो बाल्टी डलवाने पे इसका ख़र्चा लगभग 10,850 रुपये आएगा। तो पूरी बाल्टी डालने से पहले आप उसमें एक होल ज़रूर कर लीजिए साइड में, ताकि जो एयर का प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वो बना रहे इसमें। और अब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब गियर ऑयल को इसमें डाल देंगे 40 लीटर का और उसको फिर से पैक कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है इसका चेंज करने का, और लगभग खर्चा इसका आएगा जो भी 12-13 हज़ार के पास होगा।